यही कहूँगा कि काफ़ी अर्थ के बाद, बल्कि शायद कभी हमने अपने बचपन में कुछ फिल्मों में देखा होगा कि बहू और ससुर का बॉन्डिंग जो है ना, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई बात, कि बहू मेरे लिए बेटी है, जिम्मेदारी है। असल में इसके पीछे कहानी ये थी कि जहाँ से वो आई है वहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हमेशा रहा कि मतलब लड़की को क्यों नहीं पढ़ने देते। फिर भी मैं उसको बेटी की तरह उसको प्यार दिया, और मेरी अपनी दो बेटियाँ हैं इस शो में, लेकिन कहूँ तो मैं सच में कि इससे ज़्यादा प्यार है, ये मुझे अपनी दोनों बेटियों से ज़्यादा प्यारी है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा गर्व है। और बाकी एक जो फैमिली में जैसे कि अक्सर होता है, तो पॉजिटिव होते हैं लोग, नेगेटिव होते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। कभी कभी मैं अपने ऊपर सोचता हूँ कि इतना पॉजिटिव हो सकता है कि इंसान। वेलकम अभय जी ऑन मायापुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन फॉर दिस शो। और काफ़ी एक अलग ही आपका बॉन्ड दिख रहा है, जो लीड दिखाई, बहुत ही अलग के रूप में दिखाई गई है। क्या कहेंगे अबाउट दिस बॉन्ड एंड अबाउट दिस शो? मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अर्थ के बाद, बल्कि शायद कभी हमने अपने बचपन में कुछ फिल्मों में देखा होगा कि बहू और ससुर का बॉन्डिंग जो है ना, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई बात, कि बहू मेरे लिए बेटी है, क्योंकि मैं उसे बेटी बना के इस घर में लाया हूँ, वो मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। असल में इसके पीछे कहानी ये थी कि जहाँ से वो आई है वहाँ पर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हमेशा रहा कि मतलब लड़की को क्यों नहीं पढ़ने देते। तो उसका बाप मेरा दोस्त है, वो कहता कि नहीं, मैं तो जब तक ये मेरे घर में है मैं नहीं पढ़ने दूंगा, इसकी शादी हो जाए तो इसका पति इससे जो मर्जी करवाए। उस वजह से मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है, मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करता हूँ, तब तो खुश, तब तो पढ़ने देगा। वो कहता हाँ कर लो, लेकिन शादी 2 दिन में करो। मैं 2 दिन में शादी करके लड़की को अपने यहाँ शहर में ले आता हूँ, उसे पढ़ाता हूँ, और मीनवाइल कुछ ऐसी बातें होती हैं कि मेरा बेटा नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं उसको बेटी की तरह उसको प्यार दिया। और मेरी अपनी दो बेटियां हैं इस शो में, लेकिन कहूँ तो मैं सच में कि इससे ज़्यादा प्यार है, ये मुझे अपनी दोनों बेटियों से ज़्यादा प्यारी है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा गर्व है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इसमें कि एक ससुर जो है अपनी बहू के साथ इतने अच्छे रिलेशन में है। एंड आई थिंक इस किरदार से ज़रूर लोग इंस्पायर भी होंगे, होना चाहिए भी, कि एक किस तरह से हमें एज हमारे घर में बहू आती है, yes, तो yes, लड़की आती है, बल्कि हाँ होना ही चाहिए, लोगों को सोचना भी चाहिए कि वो भी जो बेटी है ना किसी की, और आपकी बेटी किसी और के घर जाएगी, अगर ये इसको बेटी मानना शुरू कर दें बहू को, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमारा मैसेज यही है कि बहू को बेटी की तरह ट्रीट करो, सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो आपकी बहू है आशा, उसका जो किरदार अगर हम कहें वो भी इंस्पायरिंग रहेगा, क्योंकि क्योंकि लोग मूव ऑन नहीं होने देते, कहीं ना कहीं पहले ही चीज़ें बहुत होती थी, अभी भी कहीं कहीं होती है, है, अभी उसको लेकर क्या कहना चाहिए वो, क्योंकि कुंवारी सुहागन कहा गया है। हाँ, कुंवारी सुहागन इसलिए क्योंकि बचपन में ही मेरा बेटा जो था वो गुजर गया, नदी में डूब गया था, तो इसलिए वो कुंवारी सुहागन ही रह गई। और अभी मैं उसको जब घर पे लेके आया हूँ, तो मेरे लिए वो बेटी कम है, बेटी ज़्यादा है, बहू कम है, तो वही हमारा प्यार चल रहा है। ग्रेट। वेल, और शो को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए, किन किन चीज़ों को टच करने की कोशिश की गई है? इसमें मेन मुद्दा तो यही है लड़की की एजुकेशन को लेकर के, जो हम ज़्यादा उभारने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी एक जो फैमिली में जैसे कि अक्सर होता है, तो पॉजिटिव होते हैं लोग, नेगेटिव होते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। कभी कभी मैं अपने ऊपर सोचता हूँ कि इतना पॉजिटिव हो सकता है कि इंसान, लेकिन है। वेल, अभय जी की अगर बात करें, आप तो ग्रैंड फादर भी बन चुके हैं, किस तरह की फीलिंग है खुद, कितना? वैसे भी मैं थोड़ा सा बेटियों को लेकर वैसे भी ज़्यादा इमोशनल हूँ, बेटियों को लेकर के मेरे अंदर कुछ अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब अगर मैं किसी की शादी भी देखता हूँ तो विदाई पर मैं खुद रो पड़ता हूँ। शादी किसी और की हो रही है, विदाई किसी और की हो रही है, लेकिन मुझे रोना आ जाता है, मैं बेटियों को लेके इतना इमोशनल। सो स्वीट। वेल, सर फैंस को क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपकी एक अलग ऑडियंस है, आपकी फैन फॉलोइंग है, जो हमेशा आपको अलग किरदारों में देखना पसंद कर रही है, अब अमेजिंग किरदार के साथ। हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि आपने मुझे अलग अलग किरदारों में ज़रूर देखा है, और ये मेरे लिए भी पहली बार ऐसा किरदार है जो मैं एक कर रहा हूँ, जिसका नाम है अमित, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अमित को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने मेरे और किरदारों को दिया।